Yes, let us wait for one more minute. Yes, is the screen visible? Okay. Yes, so let us start. So here is a program. So what is the output of this program? Is program ki output kya hogi? Aap int main mein start hua aapka program. If f1, तो जहां इसको इफ एफ वन एनकाउंटर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले एफ वन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले एफ वन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एफ वन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ वो क्या प्रिंट करेगा, हाय, ओके, तो वो क्या प्रिंट करेगा, हाय। नेक्स्ट रिटर्न क्या कर रहा है, पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और कंडीशन में अगर ये ट्रू है तो सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, तो सेकंड वाली कंडीशन आपकी चेक नहीं होगी। स्टूडेंट टाइम हो गया है बेटा, तो एडमिट मैंने ऑल करा हुआ है, तो आ सकते हैं स्टूडेंट्स। So, यहां पे आपके पास आउटपुट क्या आएगी, आई इनसाइड इफ। इसमें किसी को डाउट हो कि हाई इनसाइड इफ आउटपुट क्यों आई इस प्रोग्राम की, यस एनी डाउट, यार मैं 9:45 पे शुरू भी कर दूं लेकिन फिर खत्म 5 मिनट पहले करना पड़ता है। चलो लेट अस स्टार्ट। इंट एफ वन इसने रिटर्न क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो ट्रू है। तो इफ कंडीशन में जैसी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास क्या आएगा,
पहले इफ में एफ वन आया तो एफ वन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसने रिटर्न क्या किया, हाई प्रिंट होगा, लेकिन रिटर्न क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ट्रू। और कंडीशन में आपकी यहां पर अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं होगी, मतलब एफ टू एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, सॉरी आउटपुट क्या आएगी, हाई इनसाइड इफ, क्लियर। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो हाई इनसाइड इफ आपके पास आ गया। नेक्स्ट, अगर इसी प्रोग्राम में मैं इसको क्या कर दूं, और की जगह एंड कर दूं, तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट होगी इस केस में पहले एफ वन एग्जीक्यूट हुआ तो हाई प्रिंट हुआ, और यहाँ पे ट्रू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर ट्रू रिटर्न हुआ है, लेकिन कंडीशन कौन सी है, एंड, ये सेकंड कंडीशन तभी चेक होगी अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, एंड के केस में। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती तो सेकंड पर जाना ही नहीं था। तो यहाँ पर अब आउटपुट क्या आएगी, हाई हेलो इनसाइड इफ। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो कि इसकी आउटपुट हाई हेलो इनसाइड इफ क्यों आएगी, क्लियर है ये। तो आप इसमें थर्ड केस करते हैं, यस अगर नेगेटिव या जीरो रिटर्न करोगे तो फॉल्स आएगा, क्लियर। तो यहां पर आपने उसका आउटपुट, एक मिनट, यहां पर एट था, ठीक है, यहां पर एट था, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, हाई हेलो इनसाइड इफ। इसको आप रन करके देख सकते हो, यही आउटपुट होगा इसका, ठीक है, बाद में इसको रन करके देख लेना, यही आउटपुट होगा चेक करने के लिए, हाई हेलो इनसाइड इफ। अब यहां पे अगर रिटर्न जीरो कर दिया मैंने तो आउटपुट क्या आएगा इस केस में, अब F1 एग्जीक्यूट हुआ, उसने प्रिंट क्या किया, हाई, ठीक है, लेकिन रिटर्न क्या किया, जीरो, विच इज फॉल्स। तो एंड कंडीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कल सर से मिल लिया मैं, सॉरी वो ऑफिस से फोन आ गया था। तो नेक्स्ट है, अब इस केस में आउटपुट क्या आएगी, प्रिंट, देखो हाई तो प्रिंट करेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो इस केस में क्या प्रिंट करेगा, ना ही इफ के अंदर एंटर करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, ओनली हाई। क्लियर, हाँ जी, किसी को डाउट था तो पूछो, हाँ जी, एनी डाउट चैट में लिख दो भी अगर डाउट है। सो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ओनली हाई। अगर इसी केस में ये और होता तो आउटपुट क्या आनी थी, देखो F1 एग्जीक्यूट होता,
हाई प्रिंट करता, ये कंडीशन क्या हो जानी थी, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन और के केस में चेक होगी, तो फिर F2 एग्जीक्यूट होता हेलो, तो यहां पर क्या आता था ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट एफ इनसाइड इफ भी प्रिंट करता। क्लियर, हाय हेलो इनसाइड इफ इसकी आउटपुट आनी थी। क्लियर है इतना। अब ये मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि ये अब जो हम फॉग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये हेल्प करेगा। क्लियर, तो उसमें हेल्प करेगा ये, तो हम इसको अभी थ्रू प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट मैं कर देता हूं। सेव कर लो। हाय हेलो इनसाइड इफ। क्लियर, हाँ जी, एनी डाउट, एनी डाउट? सो ये क्लियर है, ठीक है? किसी को डाउट हो इसमें, अभी हम फॉग के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज आप उसको ध्यान से देखना। Yes, now the question is how many times hi will be printed? ये अब वहीं से स्टार्ट है जहां से हमने पिछला क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट लेक्चर का, एक तरीके से। तो अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये मैं अभी यहां पर डिस्कस हो जाएगा अर्पित, क्लियर? ये यहां पर डिस्कस हो जाएगा, अभी फॉक में मैं ऐसा केस भी करवाऊंगा। देखो आज अगर ये फॉक कंप्लीट ना हुआ तो ये संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी। सो इसकी आउटपुट आपने पहले देखो ग्राफ वो या ट्री वो ड्रॉ करना है, मैं सीधा नहीं बता रहा ताकि आपको टाइम मिले थोड़ा सा कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। अभी 2 मिनट्स में मैं इस प्रॉब्लम का आंसर बताऊंगा। एग्जीक्यूट करने की बात नहीं है, मुझे ये बताओ कि हाई कितनी बार आएगा विदाउट एग्जीक्यूटिंग। आप अभी मैं चेक करेंगे जैसे कितना आएगा, आप अपना कैलकुलेट करके अपने पास रखो या यहाँ चैट में भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये आएगा। क्लियर, तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पे मान लो ये प्रोसेस आपका पहले पेरेंट प्रोसेस था, अब पहला फॉक में गया, जैसी वो फॉक में जाएगा पहले फॉक एग्जीक्यूट होगी, तो जैसी एग्जीक्यूट हुई यहां पे पी के केस में पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि वो पेरेंट प्रोसेस है, और सी वन के केस में जीरो क्योंकि वो चाइल्ड प्रोसेस है। क्लियर,
तो अगर ये पॉजिटिव हो गया और कंडीशन है तो ये वाला सेकंड फॉग वाली कंडीशन को तो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पी के केस में तो ये पॉजिटिव था, तो इसने इफ कंडीशन वाला हाई प्रिंट कर देना है और उसके बाद जो इफ कंडीशन के बाद वाला हाई भी प्रिंट कर देना है, ठीक है, पी के केस में। नाउ C1 के केस में क्या होगा कि ये वाली कंडीशन क्या थी, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या थी, जीरो, मतलब फॉल्स, ठीक है। अब अगर ये फॉल्स थी तो ये वाली कंडीशन चेक होगी, तो डेट मींस C1 अगेन गोज टू फॉक, और इस टाइम ये पेरेंट बन गया और इसका एक चाइल्ड ये बना। अब C1 के केस में तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, तो मतलब ये यहां पर इसको चेक करेगा, इसको जैसे ही ये चेक करेगा तो यहां पर क्या आएगा, C1 ट्रू, तो डेट मींस यहां भी एक हाई इफ कंडीशन में भी एंटर होगा और एक हाई वैसे प्रिंट होगा, क्लियर, ये दो बार हाई प्रिंट। अब C2 इस वाले इफ कंडीशन में एंट्री नहीं कर पाएगा, C2 एंटर नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि C2 के केस में ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, तो दोनों फॉल्स थी तो ये एंट्री नहीं कर पाएगा, देन लेकिन ये वाला हाई चलाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ हाईज दैट विल बी प्रिंटेड विल बी 5। हाँ जी, इसमें डाउट हो किसी को, नहीं समझ में आया, चलो मैं दोबारा बता रहा हूं। चलो इसको इजी करने के लिए पहले हम ये इसके लिए कर लेते हैं, अभी ये कमेंटेड है, सॉरी। अब इस केस में हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ हाई विल बी प्रिंटेड, क्लियर, तो अगर ये पहले प्रोसेस आपका पी था तो आप क्या करोगे यहां पे, पी, और उसके बाद यहां पर इसको फॉक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई, तो देन, और इसके लिए फॉक सिस्टम कॉल पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगी और चाइल्ड के लिए जीरो। देखो जिसको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो मैंने अपना जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग थी वो यूट्यूब पे अभी डाली हुई है, ठीक है, एक वीक के लिए वो रहती है यूट्यूब पे, फिर बाद में मैं डिलीट कर देता हूं, पी एंड C1, क्लियर, देन फॉक पॉजिटिव के केस में, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है पी के केस में, ट्रू, अगर ये पहली वैल्यू और कंडीशन के लिए ट्रू है तो सेकंड कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ये तो हाई प्रिंट करेगा ही करेगा इसके लिए, इस केस में, तो इस केस में इसने हाई प्रिंट कर दिया, क्लियर। अब बारी आ गई सेकंड केस की, सेकंड केस में अब C1 के केस में क्या हुआ, ये वाली वैल्यू कितनी थी, जीरो या फॉल्स, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो और में आपकी सेकंड कंडीशन चेक होगी ही होगी, तो सेकंड कंडीशन आपकी चेक होगी ही होगी, तो यहां पर क्या लगेगा आपका, फॉक। अब इस केस में ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि पेरेंट बन गया और इसका एक चाइल्ड प्रोसेस बना मान लो C2, उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो पॉजिटिव वाला तो इसको ट्रू करेगा, मतलब ये प्रिंट एफ करेगा, तो मतलब इसमें यहां पर हाई प्रिंट कर दिया। क्या C2 के केस में हाई प्रिंट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो इफ कंडीशन में जा ही नहीं पाएगा, तो
तो अगर क्वेश्चन इतना होता तो हाउ मेनी टाइम नंबर ऑफ हाइज विल बी प्रिंटेड? टू टाइम्स. यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, तो अब हम करते हैं कि जब ये हो गया, ये हमने कमेंट हटा दिया, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस पिछले केस में कितने बने थे? पी सी वन सी टू. क्लियर? पी सी वन सी टू, तो तीन प्रोसेस बने थे. अब ये वाला हाई तो हर प्रोसेस के लिए वैलिड है ना, इसमें कोई इफ कंडीशन नहीं है, इफ कंडीशन तो यहीं पर खत्म होगी थी आप. तो तीन हाई और प्रिंट हो गए, 2 + 3 = 5. आप जैसे मर्जी इसको देख सकते हो, अगर डायग्राम से आपने देखना है उसी डायग्राम से. तो अब इस केस के लिए सेकंड हाई इसके लिए भी प्रिंट होगा, इसके लिए भी प्रिंट होगा और इसके लिए भी प्रिंट होगा. तो दो हाईस पहले थे, तीन हाईस बाद में आगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाई दैट विल बी प्रिंटेड will be equal to 5. Clear? हाँ जी, इसमें डाउट हो किसी को? टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस देखो इसमें कितने हैं. इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस देखो कितने बने हैं. पी सी वन सी टू, तीन प्रोसेस बने हैं और ये वाला हाई हर प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा क्योंकि विदाउट एनी इफ कंडीशन है. क्लियर है? नहीं, ये लूप के कहां, लूप तो है ही नहीं, इफ कंडीशन है ना प्लस के केस में. अब जैसे पेरेंट प्रोसेस था, उसने इफ कंडीशन में एंटर कर गया आए, फिर इस कंडीशन पे गया. चाइल्ड के केस में उसको सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ी, इसी के वजह से थर्ड प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ. क्लियर? अब यही क्वेश्चन आप इस कंडीशन के लिए करो. सभी अपना अपना करो भी, नोटबुक लेकर बैठो. नहीं, 4 कैसे होगा यार, 5 होगा. तीन प्रोसेस आपके क्रिएट हुए हैं लेकिन सिर्फ दो प्रोसेस ही इफ कंडीशन में एंटर हुए, दैट इज पी एंड सी वन. सी टू एंटर नहीं हुआ क्योंकि उसकी एंड में रिटर्न वैल्यू क्या थी, 0. तो फर्स्ट वाला हाई सिर्फ पी एंड सी वन के लिए चला और सेकंड वाला हाई तीनों प्रोसेसेस के लिए चला. अब इस केस में देखो भी क्या आएगा, अपना ट्री वो कंस्ट्रक्ट करो. इस केस में मैं देखता हूं, देखकर बताऊंगा भी ट्री ड्रॉ करके कितनी बार बनेगा. क्लियर? हेलो हेलो. हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ऑफिस का नंबर हैगा, मैं एक मिनट, लेक्चर चल रहा है, मैं दो मिनट से देने का. ठीक है जी, ठीक. Yes, इसको अभी हम ड्रॉ करते हैं, एक मिनट. तो पहले हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस था, फर्स्ट फॉक स्टेटमेंट आई, तो क्या करेगी, एक पेरेंट होगा, एक इसका चाइल्ड बनेगा. इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए 0. अब यहां पर कंडीशन क्या है, एंड,
अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो ही सेकंड कंडीशन को ये चेक करेगा, वरना चेक नहीं करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट अगेन P के केस में अब फॉक होगा, C1 के केस में ये फॉक पे नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए फॉल्स थी। तो P एंड C2। क्लियर। अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? इसकी। इसके लिए P के लिए हाई भी, फर्स्ट वाला हाई क्रिएट होगा एंड सेकंड वाला, और C2 के लिए इफ कंडीशन में नहीं जा पाएगा तो लास्ट वाला हाई एंड C1 के लिए एक हाई। तो टोटल नंबर ऑफ हाइज दैट विल बी प्रिंटेड इज इक्वल टू 4। हाँ जी, इसमें डाउट है तो पूछो। यस, ये 4 टाइम्स समझ में आया क्या? नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, जिसको नहीं आया एक बार। सॉरी, कहाँ गया ये रहा। यहां देखो, सबसे पहले फर्स्ट फॉक आया तो इसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, लेकिन यहां पर अब क्या है? एंड कंडीशन। तो सिर्फ ट्रू वाले के केस में नेक्स्ट फॉक जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तभी हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो मतलब वहीं पर फॉल्स हो गया एंड कंडीशन में। तो इसने नेक्स्ट टू आपका ये ड्रॉ किया। अब इसके बाद आपने क्या किया? हाई किस केस में प्रिंट होगा? जिस केस में पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट वाला ये इफ कंडीशन में, तो सिर्फ पी एंटर कर पाएगा, तो उसके लिए हाई प्रिंट हुआ। और बाकी कितने प्रोसेस थे आपके? टोटल 3। तो 3 ये वाला है, बाकी 3 प्रोसेसेस के लिए हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ हाई दैट विल बी प्रिंटेड इज इक्वल टू 4। हाँ जी, इसमें किसी को और डाउट हो? तो अब है थोड़ा सा, हम अब मुश्किल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जैसा अभी एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था भी फंक्शंस के केस में, तो यहां पर अब लेकिन इसको हमने टर्मिनेट इफ कंडीशन को कहां पे किया? तो इस केस में आप लोगों ने करना है, सभी अपना ट्राई करो इसको, देखने से समझ में नहीं आएगा, ये ट्राई करने से ही समझ में आएगा। यस, इसको ट्राई करो अभी। फाइव मिनट्स हैं आपके पास, 10:17 पे मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा।
इसको सभी अपना अपना ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन एमएसटी में आया था 2 साल पहले। बस बेसिक्स अपने वही रखने हैं और इसमें कई स्टूडेंट्स प्रेसिडेंस के चक्कर में उलझ जाएंगे, लेकिन ये लेफ्ट से राइट ही चलेगा, मतलब पहले यही चलेगा और ये एज अ यूनिट काम करेगा, मतलब इसके और इन दोनों के रिजल्ट के बीच में और कंडीशन है। यस 9, चलो इसको चेक करेंगे हम तब पता चलेगा, ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकता। अगर आंसर जानना चाहते हो मैं इसको रन कर देता हूं ऐसे, तो आंसर तो आपको पता चल जाएगा। थ्री 2538 is the right answer. Yes, जिनका 8 आया ठीक है, वो अपना ट्री चेक कर लेना, अभी मैं ट्री ड्रॉ करने वाला हूं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास पेरेंट प्रोसेस है। अब फर्स्ट फॉक एनकाउंटर हुई इसे, तो क्या होगा? पी, क्लियर, एंड सी 1, यहां पॉजिटिव, यहां 0, यहां कंडीशन कौन सी है? एंड, मतलब सिर्फ इसके केस में ट्री एक्सपेंड होगा, इसके केस में अब ट्री एक्सपेंड नहीं होगा। देन पी सी 2, तो कौन सा प्रोसेस जाएगा इफ कंडीशन के अंदर? ओनली पी। यहां तक तो क्लियर है, लास्ट के न्यूमेरिकल्स में भी हमने ऐसे किया था। अब यहां पर पी में गया, अगेन इसको क्या मिली? फॉक। अब यहां पर लेकिन क्या है? और कंडीशन। यहां पर क्या है? और कंडीशन। तो पी के केस में तो ये और एक्सपेंड नहीं होगा, सी 3 के केस में ही और ट्री एक्सपेंड होगा। और पी के केस में यहां पर इफ वाली एक तो हाई आ जाएगी, ठीक है, बाकी जो लास्ट वाली हाई है उसको हम बाद में इकट्ठा जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस बनेंगे उससे देख लेंगे। अब नेक्स्ट सी 3 को यहां पर फॉक मिला, तो वो क्या करेगा? इसको सी 3 पॉजिटिव और यहां पे सी 4 0, क्लियर, ऐसे ही होगा ना भी। देन सी 3 पॉजिटिव एंड सॉरी सी 5
जीरो, ठीक है। तो अब इफ कंडीशन में कौन सा जाएगा, सिर्फ सी थ्री, डेट मीन्स दो हाय तो इफ कंडीशन तक, और बाकी कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएटेड हैं, एक पी, बाकी सी वन टू सी फाइव, मतलब टोटल सिक्स प्रोसेसेस क्रिएटेड हैं, तो सिक्स आए इसके लिए, तो टोटल विल बी एट, ठीक है, क्लियर। अगर मैं सिर्फ यही स्टेटमेंट का पूछता तो सिक्स टाइम्स, अगर सिर्फ इफ के अंदर वाली स्टेटमेंट होती तो टू टाइम्स, लेकिन टोटल कितना है, एट टाइम्स। हाँ जी, ये क्लियर है सभी को? सी थ्री को कैसे फॉक मिला, यहां देखो सी थ्री कहां आया, यहां पर। अब और कंडीशन थी, और कंडीशन में क्या होता है, अगर तो ट्रू है तो आगे चेक ही नहीं करता, लेकिन अगर फॉल्स है, जो कि सी थ्री के केस में फॉल्स था, तो इसको यहां फॉक मिला, तो अगेन सी थ्री पॉजिटिव एंड सी फोर जीरो, लेकिन आगे कंडीशन कौन सी थी, एंड, एंड में क्या है कि आपके पास इसका ही मिलेगा आपको कि ये ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू वाले के ये केस में अगेन एक फॉक मिला, सी थ्री पॉजिटिव एंड सी फाइव जीरो, तो C3 ही पॉजिटिव था, तो सिर्फ C3 को ही आपने आगे हाई के लिए कंसीडर किया, क्योंकि यही इफ कंडीशन में जाएगा, क्लियर है ये? अगर इसको आप वैसे भी चेक करोगे ना, यहां भी अगर आप चेक करोगे हाई इनसाइड इफ, ये दो बार प्रिंट मिलेगा आपको, लेकिन ऑर्डर नहीं मैं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन ये दो बार मिलेगा, और ये हाई कितनी बार मिलेगा, सिक्स टाइम्स, एक मिनट, वो भी मैं दोबारा डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हाई इनसाइड इफ दो बार प्रिंट हुआ है सिर्फ, क्लियर, जो भी डाउट है मैं एक मिनट पहले उसको ओपन कर लूं। अब इसमें आपने क्या पूछा है, हाँ जी, अब बोल, अब यहां पर देखो दोबारा सुन लो, सबसे पहले पी प्रोसेस था, यहां पर फॉक आया, तो पी का एक चाइल्ड प्रोसेस बना सी वन और पॉजिटिव हुआ, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या थी, एम्परसेंड, मतलब भी एंड कंडीशन, एंड कंडीशन में सेकंड स्टेटमेंट तभी चेक होगी जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो C1 तो आगे एक्सपेंड बनेगा नहीं, करेगा नहीं, क्लियर, देन इस केस में आगे जाएगा नहीं, फिर इसको, लेकिन P के केस में क्योंकि पॉजिटिव था तो सेकंड कंडीशन चेक होगी, तो एंड फॉक, तो यहां पर P का एक चाइल्ड प्रोसेस बना C2 और पेरेंट प्रोसेस तो P था ही, लेकिन सिर्फ पेरेंट प्रोसेस इफ कंडीशन में एंटर होगा क्योंकि पॉजिटिव यहीं पर है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और भी इफ कंडीशन है, उसके अंदर इफ फॉक, फिर ये फॉक हुआ और यहां पे पी एंड सी थ्री, लेकिन यहां पे पी क्या होगा, पॉजिटिव एंड सी थ्री जीरो। अब लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है आपके पास, और कंडीशन, और कंडीशन में सिर्फ फॉल्स वैल्यू के लिए सेकंड कंडीशन चेक होती है, ना कि ट्रू वैल्यू के, क्लियर, देन C3 आपका आया, तो C3 जैसी आया आगे इसको ये वाला फॉक मिला, क्लियर। अब C3 को जैसी फॉक मिला तो क्या होगा,
C3, C4. लेकिन C3 के केस में क्या होगा? पॉजिटिव, और C4 के केस में क्या होगा? जीरो. बट जैसे C3 के केस में ये पॉजिटिव है, तो यहां पर कंडीशन क्या है? एंड. सिर्फ पॉजिटिव वाले केस में आगे वाला फॉक चलेगा, जीरो वाले केस में या फॉल्स वाले केस में नहीं चलेगा. तो C3 एंड C5, क्लियर? जैसे जैसे आपको वो मिलता जाएगा अपने वैसे वैसे करते जाना. यहां तक डाउट? सगर, अगर ब्रैकेट लगा दे हम, देन चेंजेस आएंगे. कहां पर ब्रैकेट लगाओगे? C3 को तो C3 ही लिखेंगे ना, पेरेंट प्रोसेस था वो. राइट वाले को और लिखते हैं, ये तो C3 का C3 रहेगा ना. देखो ये P तो P का P रहा है, C3 का C3 ही रहेगा. वो प्रोसेस तो वही रहेगा ना, फॉक. जैसे एक फॉक सिस्टम कॉल लगती है तो आप कहते हो कि दो प्रोसेस बनते हैं, लेकिन एक प्रोसेस तो पहले से ही है P, उसका चाइल्ड बना C1, जिसको हम राइट पे, जो मैं ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसके हिसाब से वो राइट पे ड्रॉ होगा. हाँ जी, और कोई डाउट? C1 और C2 क्यों बने? क्योंकि फॉक आई थी सिस्टम कॉल. यहां देखो, यहां पर पहले जैसे ही मैंने फंक्शन वाला केस समझाया था कि पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अब यहाँ पे पहले फॉक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई. जैसे ही फॉक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई, उसने पी एंड C1 तो क्रिएट करने ही है, C1 मतलब क्रिएट होगा. ऐसी एंड के केस में जैसे ही पी अगेन गया, तो अगेन पहले ये फंक्शन चलेगा फॉक, तो उसने क्या करना है? एक प्रोसेस क्रिएट कर देना है, जिसको C2 हो गया. हाँ जी, और कोई डाउट? आप क्या बोल रहे हो? ब्रैकेट लगाने हैं. अच्छा, ये बोल रहे हो, तो इसको आप एग्जीक्यूट करो. आप वो तो जैसे लॉजिक है वैसे आप करते जाना. देखो के कितनी बार हुआ, हाई इनसाइड इफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार इसमें टोटल एग्जीक्यूट होगा. क्लियर? वो तो जैसे आपका लॉजिक होगा. इसमें क्या, कहां पर चेंज आ गया? ठीक है, जैसे चेंज आएगा वो वैसी आप देख लेना. अब इसकी जगह अगर मैं यहां पे ब्रैकेट हटा देता हूं, इसके लिए करो, सभी इसके लिए, चलो टाइम भी होने वाला है, लेकिन आपने इसके लिए करके रखना है. ठीक है, टाइम होने वाला है, आपने इसके लिए करके रखना है. ठीक है, ये नोट कर लो. तो संडे आपकी क्लास होगी, मैं टाइम बता दूंगा. यस अलविंदर सिंह, संडे आपकी क्लास होगी. इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, 3-4 और एक आधा प्रोग्राम और करेंगे. क्लियर? तो मैं टाइमिंग्स बता दूंगा आपके CR को. संडे को इसको फॉक सिस्टम कॉल को हम फिनिश कर देंगे. तो सो क्लास को करते हैं एंड.